वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी इस एपीसोड विच बाबा दीप सिंह जी दे जीवन अते उना दी महान शहीदी बारे जानांगे। गुरु गोबिंद सिंह जी दे जान मगरों बाबा दीप सिंह जी नू सब तो महान सिख मन्या जांदा सी। बाबा दीप सिंह जी दी शहीदी ने सिख राज नू जन्म दिता अते उना नू दमदमी टकसाल दा संस्थापक, विद्वता अते हथियारां दी सिख्या दा केंद्र, एक निहंग मिसल दा आगू मन्या जांदा है, जिस दा नाम उन्हां दी शहीदी तो बाद रख्या गया सी। अते उन्हां दे प्रसिद्ध इतिहास विच सब तो महान अकाली निहंग सिंघां विचों एक मन्या जांदा है। 1682 विच दीप सिंह दे रूप विच जन्मे नौजवान सिख ने खालसे दी स्थापना दे एक साल दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी दी हजूरी विच अमृत छकिया। कुछ सरोत दसदे हन कि उन्हां ने असल विच 1699 विच खालसे दी स्थापना वेले अमृत छकिया सी। उन्हां ने छोटे हुंदिया कई साल गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबार विच बिताए, जिथे उन्हां ने भाई मनी सिंह दी रहनुमाई हेठ शिकार, हथियार अते होर जंगी हुनर दे नाल नाल गुरबाणी नूं पढ़ना, लिखना अते समझिया। अंत विच उन्हां ने गुरमुखी, फारसी अते अरबी समेत कई भाषावां विच मुहारत हासिल कीती। उन्हां दी सिखण दी योग्यता नूं 1705 विच इनाम मिलिया, जदों उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने मनी सिंह जी नाल तखत श्री दमदमा विखे गुरु ग्रंथ साहिब दीआं कापियां बनाउण लई बुलाया। एक उगे विद्वान बनन दे बावजूद दीप सिंह जी ने अपने जंगी हुनर दा अभ्यास जारी रख्या। बंदा सिंह बहादुर नाल दो लड़ाइयां विच शामिल होए, सडौरा अते सरहंद। जदों नवाब कपूर सिंह ने 1733 विच सिख फौजां नूं 12 मिसलां विच वंडिया तां दीप सिंह जी नूं एक मिसल दी अगवाई दित्ती गई। अते इसदा मतलब सी कि वह परशिया दे नादर शाह अते अफगानिस्तान दे अहमद शाह अब्दाली दोवां नाल झड़पां विच शामिल सी। ये 1757 विच भारत दे बाद दे हमले दौरान सी जदों दीप सिंह जी ने सिख इतिहास विच अपनी जगह लै ली सी। बाबा दीप सिंह जी ने अब्दाली दी दिल्ली तो वापसी दौरान सिखां दे एक जथे की अगवाई की। अफगान हमलावर ने मुगल खजाने विचों वड्डी मात्रा विच लुट खो ली सी। जिवें ही वह कुरुक्षेत्र के नेड़े दीप सिंह जी के इलाके विच दाखिल होया, निहंग योद्धे ने अफगान कैंप नूं उन्हां दे बहुत सारे खजाने तो मुक्त करना शुरू कर दिता। हर रात अफगाना ने उन्हां दे इलाके विच डेरा लाया तां दीप सिंह जी अते उन्हां दा जथा अद्धी रात नूं हमला कर दिंदा। सिखां दे व्यवहार तो गुस्से होके अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर शाह नूं बदला लैण लई सिखां नूं जलील करन लई नियुक्त कीता, जिवें कि उन्हां ने अपने डेरे नाल कीता सी। लाहौर दे नौजवान गवर्नर ने पंजाब भर दे गुरद्वारियां दी बेअदबी करके सिखी दे केंद्र हरिमंदर साहिब नूं तबाह कर दिता। गुरद्वारे नूं विस्फोटकां नाल उड़ा दिता गया सी अते पवित्र सरोवर जानवरां दीआं लाशां नाल भर गया सी। सिखी दे सब तो पवित्र स्थान दी तबाही बारे सुन के दीप सिंह जी ने गुरद्वारा साहिब नूं आजाद करवाउण दी सहु खाधी अते वादा कीता कि सिख उस साल हरिमंदर साहिब दे अंदर दिवाली मनाउणगे। दीप सिंह जी ने दमदमा साहिब दा अपना विद्यक घर छड्ड दिता अते अपनी मिसल दे सिख सिपाहियां दे एक छोटे जिहे समूह नाल अमृतसर वल वधना शुरू कर दिता। ज्यों ही वह तरन तारण के नेड़े पहुँचे, दीप सिंह जी ने सिखां दे वड्डे समूहां नूं संबोधित करना शुरू कर दिता। उन्हां ने रेत विच एक लकीर खिंची अते गुरु नानक देव जी दीआं सब तो मशहूर रचनावां विचों एक दा हवाला दिंदे होए पुछिया कि की कोई सिख प्यार दी खेड खेडना चाहुंदा है अते जे वह अपने हत्थां विच सिर रख के उस कोल जाना चाहुंदा है। कुछ सिख एकदम पिछे हट गए, दूसरे रेत विच लकीर पार करके दीप सिंह जी विच शामिल हो गए। जदों तक वह अमृतसर के दरवाजे ते पहुँचे उन्हां दा समूह 5000 तक पुज चुका सी। 11 नवंबर 1757 नूं दीप सिंह जी की अगवाई वाले सिखां अते तैमूर शाह दे जरनैल जहान खान की अगवाई वाले अफगाना दी अमृतसर तो बिल्कुल बाहर गोहलवाड़ विखे टकराव हो गया। 75 साल की उम्र के दीप सिंह जी ने हत्थां पैरां की लड़ाई विच अगे तो लड़ाई की अगवाई की। अपनी वधदी उम्र के बावजूद दीप सिंह जी ने सरगर्म फौजी ड्यूटी छड्डण तो बाद भी शिकार करना जारी रखिया सी। उन्होंने अपना 15 किलोग्राम खंडा इन्नी बेरहमी नाल चुकाया कि समकाली अफगान सरोतां ने सोचा कि उन्होंने एक दुष्ट आत्मा आ गई सी। लड़ाई के अंत विच दीप सिंह जी अते एक होर अफगान नेता अटल खान ने इक्को समय अपनी तलवारां नाल एक दूजे नूं मारिया। अटल खान का मौके ते ही सिर वढ दिता गया। दीप सिंह जी ने उसकी गर्दन ते डूंगा अते घातक जख्म रखिया, जिस नाल ओह फर्श ते डिग पिया।
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੰਡਾ ਤਲਵਾਰ ਝੂਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਏ। ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮਰੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡਾ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਹਲਵਾੜ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੋਧਾ